नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि दोनों देशों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और वहां इस बात के लिए चिंता जताई जा रही है कि भारत की बढ़ती ताकत का किस तरह से मुकाबला किया जाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो क्षेत्र है पीओके में, एक तरफ तो वहां के मौसम की खबर दिखाकर पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा दिया, जिससे इमरान खान और सेना के बीच तकरार शुरू हो गया है। दूसरी तरफ भारत ने पीओके और अक्साई चीन का वो क्षेत्र जिसको पाकिस्तान ने चीन को दिया था, वो सारे क्षेत्र में चुनाव कराने की बात करके चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर दिया है। अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रही है, उस सीमा विवाद में भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। चीन जिस तरह से भारत के ऊपर बार बार दबाव बनाए रखता था, अब वो दबाव उल्टा पड़ रहा है। एक तरफ एक स्थिति थी जब भारत आरोप लगाता था कि चीन है जो सीमा पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है और उससे भारत को दिक्कत होती थी। आज स्थिति पलट गई है। आज चीन ये आरोप लगा रहा है कि भारत है जो उन क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, भारत सीमा पर सेना तैनात कर रहा है, जिसके बाद चीन की परेशानी बढ़ी हुई है। और चीन का ये आरोप ये दिखाता है कि अब भारत की स्थिति पहले से बदल गई है, ये स्थितियां बदली है। और जो गालवान घाटी में जिस तरह से चीन और भारतीय सेना एक दूसरे के आमने सामने हैं, और चीन बौखलाहट में डोकलाम का मुद्दा उठा रहा है कि डोकलाम में जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनातनी हुई थी और उस समय भारत का पक्ष मजबूत था, चीन की स्थिति कमजोर थी वहां पर डोकलाम में, इसलिए चीन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन गालवान घाटी में ऐसी स्थिति नहीं है, यहां पर चीन की पकड़ मजबूत है और वहां चीन पीछे नहीं हटेगा। ये चीन के ग्लोबल टाइम्स जो एक सरकारी अखबार है चीन का, वहां की ये रिपोर्ट आती है। यानी चीन में इस बात को लेके चर्चा हो रही है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा जब वो हर मुद्दे पर चीन से पीछे हट जाता था। अब भारत बदल रहा है, भारत की ताकत बढ़ रही है, कूटनीतिक तौर पर भारत एक मजबूत देश के तौर पर उभर रहा है और इसके कारण चीन के अंदर खलबली मची हुई है। गालवान घाटी का ये मुद्दा उठा है कैसे, अगर पूरी घटनाक्रम पर एक नज़र डालें तो पता चलेगा कि किस तरह से इस पूरे परिस्थिति में मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीतिक जाल बिछाया था, उसमें चीन पूरी तरह से फंस गया है। ये मुद्दा उठा था पिछले महीने जब भारत और नेपाल के बीच एक छोटा सा तकरार हुआ था। नेपाल का मानना था कि लिपू लेख के क्षेत्र में 80 किलोमीटर का जो सड़क बना रहा है भारत, वो उसके टेरिटरी में आता है, यानी कि भारत सरकार का एक कंस्ट्रक्शन का काम, ये सड़क बनाने का काम है जो गलत है, गैरकानूनी है। पाकिस्तान और चीन के सह पर जो कोई भी अगर ऐसी चीज़ें उठाएगा तो उसका भारत विरोध करेगा और ऐसा ही हुआ, क्योंकि नेपाल अपने स्तर पर इस तरह का मुद्दा नहीं उठा सकता। नेपाल और भारत के बीच का संबंध एक अलग तरह का संबंध है, दोनों देशों के बीच एक बहुत ही नज़दीकी संबंध हमेशा से रहा है, लेकिन जो नेपाल में कम्युनिस्ट जो सेटअप है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने का और चीन के साथ जब से संबंध सुधरने लगा है, उसके बाद से भारत के साथ थोड़े विवाद होने लगे हैं। और यही स्थिति लिपू लेख के मामले में भी हुआ, जब वहाँ भारत ने बता दिया कि ये पूरा हमारा टेरिटरी में है और मानसरोवर जाने का जो रास्ता है उसको मानसरोवर तक पहुँच बनाने के लिए हम ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने दूसरे तरफ एक इशारा भी कर दिया था कि ये नेपाल अपने आप से ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि नेपाल के ऊपर किसी और का हाथ है और उसी के इशारे पर नेपाल यह काम कर रहा है। ये इशारा था भारत के सेना अध्यक्ष का, और सेना अध्यक्ष के इस इशारे के समय ही ये लग गया था कि सेना अध्यक्ष ने चीन की ओर इशारा किया है और चीन और भारत के बीच जो सीमाई विवाद है वो और बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत अब चीन के सीमा पर अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएगा। और हुआ ऐसा ही, जैसे ही नेपाल का वो मुद्दा उठा, लिपू लेख के क्षेत्र का मुद्दा उठा, उसके बाद 5-6 मई को करगिल सेक्टर में जो पेंगोंग लेक है वहाँ पर भारत और चीन के बीच विवाद
शुरू हो गया और वो सीमा विवाद शुरू हुआ क्षेत्र को लेके, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा का जो क्षेत्र है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके इधर और उधर का क्षेत्र जो है उसके निर्धारण को लेकर, LAC के निर्धारण को लेकर ये विवाद शुरू हो गया। क्योंकि पेंगोंग लेक में एक तरफ भारत का क्षेत्र आता है, दूसरे तरफ चीन का क्षेत्र आता है, और वहाँ जो आर्मी की भाषा में उसको अलग अलग फिंगर एरिया बोलते हैं, फिंगर 1, 2, 8, 7, 6, 6, ऐसे करके अलग अलग फिंगर एरिया है जहाँ से LAC जो है वो गुजरता है। और चीन का जो मानना था कि चीन का कहना है कि फिंगर 2 का एरिया है वहाँ से LAC गुजरता है और इसके कारण उसके आगे वाला क्षेत्र पर चीन का अधिकार होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत का मानना है कि फिंगर 8 के एरिया में भी भारत का क्षेत्र पड़ता है और LAC फिंगर 8 से गुजरता है। यहीं पर दोनों सेनाओं के बीच तकरार शुरू हुआ, और ये तकरार जो शुरू हुआ उसके पीछे एक और कारण था। जो चीन ने ये गड़बड़ियाँ शुरू की उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ पर भारत कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका था, वहाँ के क्षेत्रों में भारत सड़क निर्माण कर रहा है ताकि भारतीय जो फौज है उसको पेट्रोलिंग करने में आसानी हो, क्योंकि चीन ने अपने क्षेत्र में पहले से ही सड़क बना रखा है और चीन की जो पेट्रोलिंग है वो पैदल नहीं होती है, गाड़ियों से होती है। इसका जो चीन ने जो बनाया था उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण चीन और पाकिस्तान के बीच का ये सांठगांठ थी। जब करगिल युद्ध हुआ था, जब करगिल में पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से सैनिक भेजे थे, वो भी आतंकवादी के वेश में, और दोनों देशों में भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ, तो उस समय उस संघर्षपूर्ण स्थिति का, भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे उस युद्ध का फायदा उठाकर चीन ने 1999 में ही अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण करना शुरू कर दिया। भारत की स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी क्योंकि एक तरफ वो पाकिस्तान से उलझा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान को करारा झटका मिला, करारा जवाब मिला, और कारगिल में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई, लेकिन फिर भी भारत को जो चीन के साथ जो क्षेत्र थे, जो चीन का सीमाई क्षेत्र था जहाँ चीन ने उस समय तक सड़क बना लिया था और उसके पेट्रोलिंग करने वाले जो फौज है उसको आसानी हो गई थी, लेकिन भारत उस चीज़ को भूला नहीं था। और बाद में धीरे धीरे जब स्थिति मजबूत होने लगी तो भारत सरकार ने भी उस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, और अब जब वहाँ पर रोड बनाया जा रहा है तो चीन को परेशानी होने लगी है। चीन को लगने लगा कि हमने जिस तरह से अपने क्षेत्र में बनाया है, अगर वो भी अपने क्षेत्र में रोड सड़क का निर्माण कर लेगा और पेट्रोलिंग तेज़ी से होने लगेगी, तो ये जो बार बार हर साल चीन कुछ क्षेत्रों पर, भारतीय क्षेत्रों पर आगे बढ़ जाता था, वो उनका रवैया चल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में राजनीतिक स्थिति बदल गई है और भारत किसी भी स्तर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 5-6 मई को दोनों सेनाओं के बीच टकराव हुआ और उसके बाद ये टकराव जो करगिल सेक्टर में शुरू हुआ था उसकी गूंज सिक्किम में भी दिखाई पड़ी, और वो जो गूंज सुनाई पड़ी सिक्किम में, वहाँ पर भी भारत और चीन के सेनाओं के बीच तकरार हुआ, पत्थरबाजी हुई, कुछ सैनिक घायल भी हुए, और दोनों अपने अपने, मतलब भारत की सेना जो थी किसी तरह से पहले की तरफ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, आगे की ही बढ़ते जा रही थी। तो इसके बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया और जो करगिल सेक्टर के पेंगोंग लेक और सिक्किम का जो क्षेत्र था, सिक्किम में जो सीमा क्षेत्र था, दोनों जगह पर भारत और चीन के सेना के बीच जो टकराव हुआ, उसके बाद गालवेन वैली में भी चीन ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वहाँ पर भारत है जो सैनिक गतिविधियाँ बढ़ा रहा है और सैन्य बेस भी बना रहा है। ये आरोप जो चीन का है वो आरोप इसलिए है क्योंकि चीन की स्थिति अब कमज़ोर पड़ गई है। जब कोई किसी की स्थिति कमज़ोर पड़ती है तो वो आरोप की राजनीति शुरू करता है और चीन अब यही करने लगा है। चीन बार बार ये कह रहा है, डोकलाम का मुद्दा उठा रहा है, सीमा विवाद को शांति से हल करने की अपील कर रहा है और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अभी हाल फिलहाल में वैश्विक स्तर पर इन दोनों क्षेत्रों के बीच का ये इस पूरी घटना जो घटी है और जो दोनों के बीच स्थितियों में बदलाव आया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर
भारत की बढ़ती ताकत है और चीन जिस तरह से इस बीच कमजोर हुआ है, कूटनीतिक तौर पर अलग थलग पड़ा है, उसके बाद चीन अब आरोप लगाने की रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच अगर कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में देखें तो चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। हर जगह पर अमेरिका, यूरोपीय संघ के देश, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, सब है जो चीन के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये जो कोरोना का वायरस है, कोरोना वायरस के पैदा होने के लिए जो जांच की जानी है उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात कर रहा है, जिससे चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जिस तरह से भारत ने कूटनीतिक तौर पर सारे देशों को अपने संपर्क में रखा और पीछे से ही सही लेकिन चीन के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार किया जिससे चीन परेशान हो चुका है। और अभी जो हाल फिलहाल में WHO की बैठक हुई थी उसमें भी ताइवान का मुद्दा उठाकर भारत ने चीन को बिल्कुल मुश्किल में डाल दिया। अब जब WHO में भी भारत की ताकत बढ़ गई है क्योंकि WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसका चेयरमैन भारत बन गया है। अब भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं वो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन होंगे अगले एक साल के लिए। और 140 देशों ने भारत को इसके लिए सहयोग दिया। इन 140 देशों के समर्थन से भारत यहाँ तक पहुँचा है। ये पूरी व्यवस्था जो दुनिया भर में बदली है और वर्ल्ड ऑर्डर जो बदला है उसमें भारत सरकार की उस कूटनीति का सबसे बड़ा आधार है। और जो विपक्ष बार बार ये आरोप लगाती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर ज़्यादा रहते हैं, विश्व भ्रमण करते हैं, उनको एक करारा जवाब है ये बदलती हुई स्थितियाँ कि किस तरह से इसी दौरे के कारण दुनिया के बड़े बड़े देश, ताकतवर देश भारत के समर्थन में आ रहे हैं। और चीन जो हमेशा भारत के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स का जो कॉन्स्पिरेसी करता था, हमेशा दबाव की राजनीति अपनाए हुए रहता था, आज खुद इतना दबाव में आ गया है कि भारत के सामने घुटने टेक रहा है और बिल्कुल इस तरह गिड़गिड़ा रहा है जिस तरह पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।